बीआरजी ग्रुप द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलावी वडोदरा में विक्रमजनक मतदान थाय तेवी अपील करी हती। वडोदरा में वधुने वधु मतदान थाय ते माटे भरपूर प्रयासों करवामां आवी रह्या छे। अनेक सामाजिक संगठनों साथे बीआरजी ग्रुप द्वारा पण मतदार जागृति अभियान चलावामां आवी रह्युं छे। वडोदरा में मानव मसालनो विक्रम करनार बीआरजी ग्रुप मतदान में पण वडोदरा विक्रम नोंधावे ते उद्देश्य साथे वोट वडोदरा वोट मुहिम चलावे छे। बीआरजी ग्रुपनी शाळाना विद्यार्थीओए मोर्निंग वॉक करता शहरीजनोने जागृत कर्या हता। जनजागृति थाय ते माटे वोट वडोदरा वोट करीने अमे लोको अहींया आ प्रचार करी रह्या छे। तेमज बीजा बधा गार्डन में आकोटा गार्डन छे, सयाजी बाग छे, कारेलीबाग गार्डन छे, बधी जग्याए अमे लोको आजे वोटिंग माटे वोट वडोदरा वोट माटे थईने अमे लोको आजे प्रचार करी रह्या छे अने बधाने वोट वडोदरा वोट नो स्टीकर लगावी अने लोकोने जनजागृति करीशुं। बीजी तरफ फेकल्टी ऑफ सोशल वर्क, फेकल्टी ऑफ जर्नालिज्म तथा एनएसएस द्वारा पण मतदार जागृतता नो प्रयास हाथ धरायो छे। आज रोज मतदार जागृतता अनुसंधान पर एक पत्रकार परिषद योजाई हती, जेमां वाइस चांसेलर डॉक्टर योगेश सिंह, एनएसएस ना कमलकर सहित अग्रणीय उपस्थित रहा हता अने वधु ने वधु मतदान माटे आह्वान करायु हतुं। ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोग आए, अपने मतदान की जो अधिकार है उसको साब्यस्त करें। सबसे अच्छी बात यह होगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके अपना वोट डालेंगे तो आपकी पसंद की सरकार आएगी, ताकि एक अच्छी लोकशाही यहाँ पर स्थापित हो सकेगी। ये अपील हम यूथ को कर रहे हैं, एनएसएस की वॉलेंटियर्स जो कैंपस एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो वोटर्स भी हैं, उनके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स, उनके कम्युनिटी मेंबर्स, इन सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अपने जो राइट है वोट देने का उसको सही इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और ये हम उम्मीद करते हैं कि 100% टर्नआउट हो इसमें, कि सबको वोट डालना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग आलस में सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है एक वोट से, हम वोट डालने नहीं जाते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश में ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, तो इसमें इग्नोरेंट नहीं रहा जा सकता। तो यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कुछ नए वोटर बने हैं, पहली बार बने हैं, उनको समझाना कि क्या क्या आपको करना है, क्या लेके जाना है वहां पर, कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, किस टाइप के लेके जाना है, ऐसा एक अवेयरनेस का हमने एक मुहिम चलाई हुई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और डेमोक्रेसी का जो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है उसका उपयोग करें, ताकि एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ें। मैं देखता हूं कि 65 साल में जितनी डेमोक्रेसी हमारी मैच्योर हुई है उस पर हम सबको गर्व करना चाहिए, वरना जहां से हम शुरू हुए थे और जहां आज पहुंचे हैं उसमें बहुत ही एक सकारात्मक चेंज आया है। पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग आम सी घटना होती थी कि बूथ कैप्चर हो गए। आज कोई सोच सकता है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी? नहीं हो सकती। तब क्या होता था, दोबारा वोटिंग होगी, बहुत सारी जगह री इलेक्शन होता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं, ऐसी घटनाओं में एकदम कमी आई है। तो ये सब अवेयरनेस के कारण है और हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, देश के प्रति कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग वोट करें। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स और स्टाफ के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को हम सब लोग वोट डालें, जिससे कि हम सब भी समझ सके और ये देश भी समझ सके कि हम उसके प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं।